अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू आर ऑल वेल। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हुंडा 150 के बारे में, हुंडा सीबी 150 के बारे में, जिसका मतलब एक स्पेशल एडिशन लॉन्च हुआ है, जिसको आप स्पेशल एडिशन तो नहीं, हुंडा वालों ने उसका नाम दिया द एडवेंचर बाइक, ठीक है जी। अगर हम उसकी प्राइस के बारे में आपको बता दें, उसकी प्राइस है जी 2,55,500 रुपया। तो उसमें पहले दो कलर अवेलेबल थे, एक रेड कलर अवेलेबल था, एक रेड कलर और ब्लैक कलर अवेलेबल था, मतलब इनमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दिया हुआ था उन्होंने। अब उन्होंने सिल्वर कलर लॉन्च किया, जिसमें मतलब जो आप कह लें आई कैची जो ट्रैक्शन है सबसे पहले बाइक में, वो आपके पास आ जाती है जी उनके रिम्स के ऊपर, अलॉय रिम्स के ऊपर, जिनका कलर डिफरेंट है, मतलब थोड़ी सी अच्छी लुक देने की कोशिश की है हुंडा वालों ने, एक यूनिक चीज़ देने की कोशिश की है, जिस तरह इंडिया में KTM वगैरह की बाइक्स कॉमन है। तो बात करने का मकसद ये है कि अब हुंडा वालों ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि एक जो रिवाज चल रहा था उसको चेंज किया है, मतलब एक मॉडर्न ज़माने के लिहाज से सोचा है। अब अल्लाह करे इनकी बाइक चल जाए, एडवेंचर बाइक इनकी, मतलब आप देख सकते हैं जहाँ पे आपने स्विच लगाना है उधर से ही हैंडल लॉक हो जाता है। एज़ कम्पेयर टू यामाहा तो आप नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो 125 है, ये 150 है। लेकिन बात करने का मकसद ये है, अगर आप बाइक ले रहे हैं एक मतलब स्पोर्टी लुक के लिए, देन आप कंपेयर कर सकते हैं, जो YBR है वो इसका मुकाबला कर सकता है, इसके साथ कंपेयर आप कर सकते हैं। अगर आप फीचर्स वाइज लें और इंजन वाइज लें तो 150 काफ़ी आगे है बाइक है। तो बात करने का मकसद यही है कि इनको थोड़ा सा बजट के बारे में ख्याल करना चाहिए। 2,60,000 रुपया प्राइस है जी, मतलब मेरे ख्याल में तो कोई समझ नहीं आती, ये स्पेशल बाइक है जी उनकी तरफ से, जो एडवेंचर बाइक है, इसकी 4,000 रुपया प्राइस डिफरेंस है, बाकी तमाम फीचर वही हैं जो सिंपल वाली में है। लेकिन यार मैं तो हुंडा ही लैस हैं, वही गल है, जिन्होंने तो के उन्होंने ले लेना है पैसे दी, तुहानू पता है वहां को पैसा बहुत है, अन्य वहाँ पैसा कमा रही है, वाई ला रही है, ठीक हो गया जी। आई होप तुहानू वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दियो।